हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कप गेहूं के आटे से टेस्टी रेसिपी बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको गेहूं के आटे से काफी बढ़िया और टेस्टी रेसिपी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप ये गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैंने छान कर यूज करा है। इसके अंदर आप नमक अपने टेस्टी के हिसाब से डाल दीजिए। इसी के अंदर मैं 2 नाश्ते के चम्मच तेल का यूज कर रही हूँ। जो तेल आप अपने घर में डेली यूज में खाते हैं, उस तेल को इसमें आप डाल दीजिए। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी मैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैं। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो लाल मिर्ची की जगह इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको लाल मिर्ची नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसका आटा जो हम लगाएंगे थोड़ा सा टाइट गूंथ के लगाएंगे। इस तरह से मैंने 1 कप पानी लिया है। जितना मुझे पानी लगेगा मैं उतना ही यूज करूंगी। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से हम आटा गूंथेंगे, लेकिन आटा हमें थोड़ा सा, जिस तरह से हम पूरी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा गूंथ के तैयार करना है। ये देखिए, आटा मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल कम पानी का यूज करा। मैंने 1 कप लिया था, आधे कप से भी कम पानी मुझे इसमें लगा है। बस इसी तरह से आपको टाइट आटा लगाना है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया हाथ में। आटे को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। हमें इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसलिए मैंने हल्दी इसमें नहीं डाली है। देखिए, इस तरह से आपको आटा दिखेगा। ये गैस पे मैंने ये पानी उबलने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ये नमक डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच तेल। पानी के अंदर काफी अच्छे से उबाल आ चुका है, इसलिए गैस को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो गैस पे मैंने ये आटा लिया है, साथ में केची ली है। बस इस तरह से आपको पतला पतला, इसका बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस इस तरह से आप काटते जाइए और इसके अंदर डालते जाइए। आपको लंबा पसंद है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। इस तरह से हम काटते जाएंगे, पानी के अंदर डालते जाएंगे। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ पानी थोड़ा सा हमारा ठंडा हो गया है, तो गैस को आप तेज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं काट कर सारे इसके अंदर डाल दूंगी। सारे मैंने इसमें काट के डाल दिए। काफी अच्छे से इसमें उबाली आने लग गई। गैस को अब मैं मीडियम कर रही हूँ। मीडियम गैस में इसे हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। ये देखिए, मुझे इसे उबालते हुए 10 मिनट का समय हो चुका है। सारी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। ये ऊपर फूल कर आने लगी। ये देखिए, इस तरह से अगर हमारी फूल कर ऊपर आ रही है तो काफी अच्छे से ये पक चुकी है। इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे छलनी में निकाल दिया है। इसे आप इस तरह से कढ़ाई के ऊपर ही रख दीजिए ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे वो हमारा पूरा निकल जाए। मैंने गैस पे ये कढ़ाई को फिर से थोड़ा सा क्लीन करके गर्म करने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैं तेल डाल रही हूँ। नाश्ते के चम्मच से इसके अंदर आप 3 चम्मच तेल का यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस को बिल्कुल लो कर रही हूँ। इसी के अंदर मैंने 4 कली लहसुन के लिए बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसे हम हल्का सा भून लेंगे। लहसुन की कली का जो कलर है वो हमारा चेंज होने लगा है। इसी के अंदर मैंने ये प्याज लिए, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। इस तरह से मैंने इसे लंबे लंबे चॉप कर लिए। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें भूनना ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। मुझे प्याज को भूनते हुए 1 मिनट का समय हो चुका है। 1 बड़ी साइज की शिमला मिर्ची ली थी मैंने, उसे भी इस तरह से लंबा लंबा मैंने कट कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें लंबे कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। इसे भी हम इसके साथ में 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मुझे इसे भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट का समय हो चुका है। शिमला मिर्ची का भी कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने जो नॉर्मल वाली हरी मिर्ची आती है उसका यूज़ करा। ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, इसलिए मैंने 3 ली। इस तरह से लंबे लंबे मैंने इसे कट कर लिया है। मिर्ची डालने के बाद इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिर्ची को हमें ज़्यादा भूनना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्की सी ये भून जाएगी।
इसी के अंदर सबसे पहले मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा हमें नहीं डालना, इसे ज़्यादा स्पाइसी हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी के अंदर मैं एक चम्मच ये सोया सॉस डाल रही हूँ, एक चम्मच विनेगर, तीन चम्मच टमाटर सॉस, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोया सॉस में, टमाटर सॉस में, दोनों में नमक रहता है, इसलिए सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें नमक डालना है। नमक हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने जो आटे की जो बनाई है उसके अंदर भी हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद एक बार वैसे मिक्स कर रही हूँ। गैस को मैंने बिल्कुल लो कर ही रखा है, गैस आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। जो हमने घर में ये होममेड पास्ता बनाया है इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इसे भी इसी के अंदर मिक्स कर लूंगी। देखिए छन्नी में आपको ऐसा लग रहा था कि चिपक गया, ये देखिए बिल्कुल भी हमारा ये चिपका नहीं है। इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ताकि इसमें सारी चीजों का फ्लेवर जो है अच्छे से चला जाए। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है, कितना बढ़िया इसका कलर है। अभी हमारा भूनना स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद भी आप कलर देख सकते हैं। मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया, सारी चीजों का फ्लेवर काफी अच्छे से आने लगा है। कलर पे आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया हो गया। देखिए बस अब गैस को आप बंद कर दीजिए। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहते तो डालिए, नहीं चाहते तो इसे सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं। ये देखिए काफी बढ़िया हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। आपको पास से दिखाती हूँ कितना बढ़िया दिख रहा है, कलर भी काफी बढ़िया आया है। कलर आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसके अंदर मतलब थोड़ा सा सोया सॉस ज्यादा पसंद है ज्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने बनाया, कम सामान में जल्दी भी बनाया, झटपट भी हमारा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया और टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।